वेलकम टू दीपूस किचन। आज हम बनाएंगे जीरा राइस, जिसके लिए सामग्री है राइस। ये बासमती राइस है जिसको मैंने आधा घंटा भिगो के अभी पानी निकाल के रखा है। और ये है नमक, जीरा साबुत वाला, घी, हरा धनिया, करी पत्ता, और ये है चक्री फूल है, दालचीनी है और लवंग है जो तड़के के लिए हम यूज़ करेंगे। अभी मैंने पानी गर्म करने को रखा है, जिसमें हम ये राइस डाल देंगे और अभी इसको उबलने देंगे। उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, अभी इसको उबलने देंगे। थोड़ा कच्चा रहने तक उबलेगा, बाद में हम इसको पानी निकाल के अलग से ये करेंगे। अभी जो राइस है हमारा वो बॉयल हो गया है, मैंने छलनी में निकाल दिया है। और अभी हम एक पैन में घी डालेंगे। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। अभी हम उसमें जीरा डालेंगे। जीरा पूरा फूटने तक हम वेट करेंगे। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन में आने देंगे। तब तक मैं दालचीनी, लवंग और ये चक्री फूल है उसको डालती हूँ। इसका स्मेल अच्छा रहता है और टेस्ट भी आता है। अभी हम करी पत्ता डालेंगे। अच्छे से मिलाएंगे। अभी मैं इसमें जो राइस है वो डाल देती हूँ। अभी आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी। मैंने नमक तो पहले से डाला हुआ था, तो टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा डालूंगी। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी मैं गैस बंद कर दे रही हूँ, क्योंकि जीरा राइस हमारा रेडी हो गया है। अच्छा सा एक स्मेल आ रहा है जीरा और घी का। और एक प्लेट में निकाल देंगे इसको हम। मैंने एक प्लेट में निकाल दिया है। अभी हमारा जीरा राइस और दाल रेडी है।